इसलिए भी पोस्टपोन करते हो तो कर लो, क्योंकि एग्जाम लेके भी क्या करोगे, कौन सा एग्जाम देने के बाद में काउंसलिंग प्रॉपर करवा पाओगे, और काउंसलिंग प्रॉपर करवाने के बाद में क्या होगा इसका मतलब। ये तो पूरा एग्जाम जो हो रहा है ना, ये जो पूरा एग्जाम टाइम इसलिए हो रहा है क्योंकि एलन और आकाश नहीं एलन ने, मोस्ट ऑफली एलन ने पैसे दे दिए, ये पूरा एग्जाम इसीलिए हो रहा है, अदरवाइज एग्जाम होता ही नहीं, ठीक है, होता ही नहीं, क्योंकि इसके बाद में भी कुछ नहीं होगा, एग्जाम हो जाएगा एक वीक के बाद, 15 दिन 20 दिन में आएगा, एक महीने में रिजल्ट देंगे, रिजल्ट के बाद में अगर कोविड सही नहीं हुआ तो काउंसलिंग होगी नहीं, काउंसलिंग नहीं होगी तो उसके बाद में फिर बच्चा कॉलेज जाएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो एग्जाम इसलिए हुआ है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद पड़े हुए हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को चालू कराना है, क्योंकि नेक्स्ट फेज जो आएगा अनलॉक का उसमें क्या होगा, बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना शुरू करेंगे। अब बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट जब आएगा, जबकि एक बार 15 लाख बच्चों को एक साथ मास मूवमेंट करा दो, चाहे वो कोविड में एक्सपोज हो जाए, ठीक है, कोविड में एक्सपोज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 70,000 केस हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार एक्सपोज करा दो ताकि पूरे इंडिया के पेरेंट्स को समझ आ जाए कि जब 15 लाख बच्चा मूव कर सकता है, ठीक है, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने में क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने पैसा खिला दिया और पैसा खिलाने पर